बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राजराव, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के दो सेशन के छात्र छात्राएं, पहला पार्ट 3 8 से 21, वहीं दूसरा 20 से 23 पार्ट 1 के छात्र छात्राएं। कल एक वीडियो इस पर अपलोड हुई थी इस चैनल पर, जहां पर थंबनेल में था कि 13 परीक्षाओं के फॉर्म जो है वह 20 तारीख से भरे जाएंगे, 27 तारीख तक उसकी लास्ट डेट है। इसके बाद 18 से 21 के पार्ट 3 के कुछ छात्र छात्राएं, साथ ही 20 से 23 के पार्ट 1 के कुछ छात्र छात्राओं ने अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट किया। वहाँ पर उन्हें बताया गया कि अभी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी नहीं हुई है। उसके बाद से छात्र छात्राओं ने हमें कमेंट के माध्यम से कहा कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, मैंने कॉलेज से बात की है, वहाँ पर अभी कोई परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा रहे। मैंने आपको उस थंबनेल में जो चीज़ें मेंशन की गई थी उस वीडियो में एक बात कही गई थी, वोकेशनल कोर्स के बारे में कहा गया था, ना कि जनरल बीए बीएससी बीकॉम या बीए अनर्स बीकॉम अनर्स या बीएससी अनर्स। आप लोग जो है बीए अनर्स बीएससी अनर्स बीकॉम अनर्स के छात्र छात्राएं हो सकते हैं, या आप इन तीनों स्ट्रीम में से आप जनरल कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं हो सकते हैं। नोटिस आप जो देख पा रहे हैं, नोटिस यही था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो लगभग 12 नंबर में 20 से 23 मेंशन किया गया है, वहीं आप 10 नंबर में देखेंगे तो 18 से 21 यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको यह समझना चाहिए था वोकेशनल कोर्स के बारे में कहा जा रहा है, तो ये बीबीए बीसीए के बारे में आप देख पा रहे हैं, वहीं यहाँ पर एमसीए के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है, आपके अनर्स के बारे में नहीं बताई जा रही है। तो इसलिए आप थोड़ा अच्छे से जाँच पड़ताल कर ले और वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझे, उसके बाद से आप अपने कॉलेज से पूछताछ करें या कमेंट करें। अब हम बात करते हैं कि ठीक है तो फिर परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो 20 से 23 वाले पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, आपके रजिस्ट्रेशन की जो तिथि जो निकाली गई थी वह 20 तारीख तक निकाली गई थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट लगभग हो चुका है। कहा गया था कि जून में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निकाली जाएगी, लेकिन अभी आप लोग के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि नहीं निकाली जाएगी। सबसे पहले 18 से 21 पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि निकाली जाएगी, उसके बाद ही, क्योंकि उनके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 18 से 21 वाले के पार्ट 3 का एग्ज़ाम लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी होगा तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही होगा। 18 से 21 वाले आप तमाम छात्र छात्राएं, तो आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो है हो सकता है 15 अक्टूबर के बाद भरा जाए, इतना ध्यान रखिएगा, और 20 नवंबर के बाद ही पार्ट 3 वाले आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो यहाँ पर 20 से 23 वाले का पार्ट 1 का एग्ज़ाम कब होगा, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम कब ख़त्म होता है इस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि दिसंबर में कंप्लीट हो गई पार्ट 3 का एग्ज़ाम, तो आपके पार्ट 1 के एग्ज़ाम शुरू करवा दिए जाए। यदि दिसंबर में कंप्लीट नहीं हुई तो फिर जनवरी तक 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 का एग्ज़ाम जा सकता है। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो 20 से 23 वाले आपके पार्ट 1 का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, ये कन्फर्म हो गया हुआ है। ऑब्जेक्टिव होगा तो होगा, यूनिवर्सिटी के परीक्षा बोर्ड में इस चीज़ को पास कर दिया गया है। वहीं 18 से 21 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं, उस दिन जो रिपोर्ट आई थी कि एग्ज़ाम हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो अभी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। परीक्षा बोर्ड की मीटिंग आयोजित होगी, उसमें जब कन्फर्म हो जाएगा वाइस चांसलर उसको परमिशन देंगे, उसके बाद ही आप लोगों का ये तय होगा आप लोगों का कि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। अभी पुरानी पैटर्न के हिसाब से आप लोग चले सब्जेक्टिव मान करके चले, जब तक कि ऑब्जेक्टिव वाली बोर्ड मीटिंग नहीं होती है, उसमें पास नहीं होता है, तब तक ये कन्फर्म नहीं होगा कि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो अभी आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा पैटर्न के ऊपर, जब बोर्ड मीटिंग होगी तभी जा करके ये तय हो पाएगा। 20 से 23 वाले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म हो सकता है कहीं नवंबर या दिसंबर तक भरे जा सकते हैं, डिपेंड करता है पार्ट 3 के एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर और एग्ज़ाम्स के ऊपर। तो उम्मीद है कि दोनों सेशन वाले आप छात्र छात्राओं के जो क्यूरीज थे और जो डाउट्स थे वो क्लियर होंगे होंगे। कुछ चीज़ें बची हुई है तो आप कमेंट में हमें बताएं, उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।